सबसे पहले तो आप सभी को और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया वर्ष आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए और देश के लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ संकेत लेके आए। और जिस प्रकार से तेज गति से या साढ़े चार वर्षों से देश में प्रगति हो रही है, जिस प्रकार से अन्य अन्य पहलू को लेके देश विकास कर रहा है, उसमें भारतीय रेलवे का भी एक योगदान है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी कि भारतीय रेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी शुरू की जाए, और ये सिर्फ विदेश से सामग्री लाके, विदेश से नई ट्रेनें लाके करने के बजाय भारत में मेक इन इंडिया के तहत नई व्यवस्थाएं बने, नई रेलगाड़ियां बने, और उन्हीं के दूरदर्शी सोच के कारण भारतीय रेल ने मेक इन इंडिया के तहत ट्रेन 80 की कल्पना की, इसकी डिजाइनिंग करी, इसको भारतीय रेलवे की फैक्ट्री में इस पूरी ट्रेन को बनाया गया। और मुझे आप सब से शेयर करते हुए बहुत हर्ष होता है कि अब ट्रेन 18 की सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो चुकी है। कुछ सुझाव रेलवे के समक्ष है जिसको अभी लागू किया जा रहा है, और बहुत ही जल्द ये ट्रेन भारत को डेडिकेट की जाएगी, भारत की जनता को समर्पित की जाएगी। हमने अनुरोध किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि उनके कर कमलों द्वारा इस ट्रेन की शुरुआत की जाए। ये ट्रेन नई दिल्ली से बनारस, कानपुर और इलाहाबाद होते हुए सफर करेगी लगभग 8 घंटे के अंदर। इससे जो अगली फास्टेस्ट ट्रेन है दिल्ली से बनारस, वो लगभग 1.5 गुना समय लेती है। ये ट्रेन 8 घंटे में पहुंचाएगी, दूसरी ट्रेन 11.5 घंटे लेती है। आपने अभी अभी थोड़ी झलक देखी, मैं भी इंस्पेक्ट करने आया हूँ। इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई है, वाईफाई एनेबल किया गया है, CCTV कैमराज रखे गए हैं, और इसमें कोई लोकोमोटिव या इंजन नहीं, ये पूरा ट्रेन सेट है, पूरी एक ट्रेन एक साथ बनी है। एक डब्बे से दूसरे डब्बे जाने की भी सुविधा है, और ये लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक उस रफ्तार पे चलते हुए बनारस का 750 किलोमीटर का लगभग जो सफर है इसको पार करेगी। इस ट्रेन में हर प्रकार की सुविधा, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो केटरिंग की सर्विस हो, हर चीज पे अधिक ध्यान दिया गया है। दिव्यांगों के लिए भी टॉयलेट्स बनाए गए हैं, सभी टॉयलेट्स बायो टॉयलेट्स हैं। आपने देखा सीट्स की क्वालिटी भी अपडेट की गई है, 2 क्लासेस रहेंगी, एक एग्जीक्यूटिव क्लास, एक रेगुलर क्लास, पूरी ट्रेन एयरकंडीशन होगी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको अति आधुनिक बनाने का काम RDSO और हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी इंजीनियर से मिलके इस ट्रेन का निर्माण किया है। मैं बधाई दूंगा सभी लोगों को जिन्होंने इस ट्रेन के पीछे समय सीमा पे काम किया, और इस ट्रेन को अब जल्दी हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से
देश को समर्पित सर। फेयर कितना होगा, किराया कितना होगा? किराया के ऊपर अभी निर्णय लिया नहीं गया, उसको जल्दी लिया।